हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन। और क्या आपको पता है कि साल 1912 में बिहार राज्य के सीवन जिले में पैदा हुआ यह आदमी आगे चलकर कुछ ऐसा करने वाला था कि इसने एक एक करके सभी फेवरेट मूवमेंट जैसे कि ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी बेच दिया। और इसने इन सभी चीजों को केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार अलग लोगों को बेचा था। और इस आदमी का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिसे आज हम सभी लोग नटवर लाल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे नटवर लाल ने ताजमहल को बेचा और कैसे वो नकली सिग्नेचर करके बैंकों से पैसे निकाला करता था। नटवर लाल बचपन से ही ऐसा नहीं था बल्कि वो आम बच्चों की तरह ही खेला करता था, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और उसको फुटबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके कारण वो एक बार फेल भी हो गया और उसके पापा से उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी। इसी गुस्से में वो घर से भागकर कोलकाता चला गया। तब उसके पास केवल 5 ही रुपए थे। कोलकाता में नटवर लाल ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की, जिसके बाद एक सेठ ने उसको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रख लिया। जिसके बाद नटवर लाल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। जिसके बाद उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ को 5 लाख रुपए से ठग लिया। जिसके बाद वो ठग के मामले में कभी नहीं रुका और वह अपने पड़ोसी के बैंक से उसके हूबहू सिग्नेचर करके पैसे निकाला करता था। और उसने ऐसा करते करते 1000 रुपए निकाल लिया। उसने हजारों लोगों को धोखा दिया था और 50 से ज्यादा नकली नाम के साथ घूमा करता था। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदला करता था। लोगों को ठगने के लिए वो उपन्यास पढ़ के आइडिया लिया करता था। और इसी से वो इतना आगे बढ़ा कि आगे चलकर उसने ताजमहल को 2 बार, लाल किला को 1 बार, राष्ट्रपति भवन को 1 बार और संसद भवन को 1 बार बेच दिया था। वह उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फेक सिग्नेचर करके इन फेवरेट मूवमेंट को बेचा करता था। इसकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल फिल्म भी बन चुकी है। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहता था। उसे ठगी के 14 मामलों में दोषी ठहराया गया और 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल ही जेल में बिताया। आखिरी बार उसे जब 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी। उस समय वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था और उसे कानपुर जेल से नई दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो मौका पाकर भाग गया। जिसके बाद वो 1996 को पुलिस को आखिरी बार दिखा था। उस दिन के बाद नटवर लाल फिर कभी नहीं दिखा। वह कहता था कि मैं अमीरों का सारा पैसा लूट कर गरीबों को देता हूँ। जिसके बाद 2009 में नटवर लाल के वकील द्वारा अदालत में ये कहते हुए अर्जी दी गई कि उसकी मौत 25 जुलाई 2009 को हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना।